तो दोस्तों देख सकते हो मेरे पास एक न्यू माइक है जो कि बोया M1 का ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ओरिजिनल या फेक हम लोग चेक करेंगे, ये आज ही डिलीवर हुआ है ठीक है। तो कैसे आप पता कर सकते हैं ये ओरिजिनल या फेक है ठीक है, मैंने भी चेक नहीं किया। तो चेक करने के कुछ तरीके हैं जो कि इस वीडियो में हम लोग चेक करेंगे ठीक है। तो फर्स्ट मैं ये जब रिसीव किया तो मैं सोच रहा था ये फेक या ओरिजिनल, क्योंकि इसमें बारकोड रहता है ओरिजिनल में, तो इसमें बारकोड देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक्चुअली बारकोड को देखने के लिए आप लोगों को हिसाब से मेरा इसमें ये देखिए इसको ओपन करना होता है, जो कि मैं इसको ओपन करूँगा भी देखिए। तो इसमें बारकोड तो है, तो अभी तक मैंने चेक नहीं किया, तो आप लोगों के सामने इसको चेक करेंगे। देखिए ओपन किया तो इसको मैं अभी मोबाइल में इसको स्कैन करेंगे, देन उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो इसका जो कोड नंबर दिया रहता है इसको 12 कोड नंबर को उसमें डालेंगे, फिर चेक करेंगे बोया है या नहीं। अगर बोया का है तो उसमें राइट चिन्ह दिखाई देगा, अगर नहीं है तो उसमें पता चल जाएगा कि यह फेक या नहीं ठीक है। तो माइक में तो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिल रहा है अभी, फेक या ओरिजिनल तो चेक करना बनता है। तो चलिए चेक करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों देखिए, चलिए हम लोग इसको स्कैन कर लेते हैं। मैंने वो स्क्रैच कर लिया है बारकोड को, तरह स्कैन करेंगे। देखिए इस तरह से आ गया, तो इसमें देख रहे हैं गो टू ऑफ वेबसाइट। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ कि आता है रिजल्ट। तो नेट स्लो है, ये देखिए आ चुका है और इसमें लिखा है 16 डिजिट का जो कोड नंबर है वो डालने के लिए साइड में दिया है। तो चलिए हम इसको डाल के देखेंगे, अगर नहीं होता है तो ऑफिशियल वेबसाइट में भी चेक करेंगे। तो चलिए इसको डाल के इंक्वायरी में चेक करेंगे। तो ये नहीं हो रहा है दोस्तों, मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो चलिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा अभी। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद मैंने ट्राई किया, तो देखिए इसमें हो रहा है दोस्तों। इसमें सब सब लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो प्रोडक्ट है ये क्या है, बोया का ऑथेंटिक है, यानी ये ओरिजिनल है। तो अगर आप लोग उस बारकोड से नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली इसमें ऑफिशियल वेबसाइट में आके उसी का बारकोड का जो 16 डिजिट का जो कोड है उसको डालिए, आप चेक कीजिए, आपको पता चल जाए कि फेक या ओरिजिनल। तो मैंने अमेजोन से परचेस किया है ये, तो अभी फ़िलहाल ओरिजिनल देखने को मिल रहा है। सो मन को थोड़ा सुकून मिला यार, ओरिजिनल मिल रही। सो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए आप लोगों को किस तरह से पता करना है। और सो दोस्तों आप लोगों ने देखा फाइनली ये मैंने चेक कर लिया, ये ओरिजिनल है क्योंकि उसमें लिखा है साफ साफ कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बोया का ऑथेंटिक क्या है, माइक है। सो फाइनली ये ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल में क्या और डुप्लीकेट में क्या, आप देखिए सबसे पहले ओरिजिनल जो है उसमें क्या है, सिर्फ बोया लिखा इसमें लिखा रहेगा। देखिए इसमें सिर्फ बोया, जो डुप्लीकेट ऊपर में इसमें बोया के ऊपर एक आर लिखा रहता है, आर देखिए थोड़ा सा गोल ठीक है। और जो ओरिजिनल है वो आर जो कहाँ पे लिखा रहता है, ये स्केच करने का जो प्लास्टिक है इसमें लिखा रहेगा। ये देखिए प्लास्टिक मैंने इससे स्केच किया, इसमें देखिए आप लोग थोड़ा सा देखिए, देखिए बोया आर लिखा है देखिए ऊपर ठीक है। तो ये देखिए ओरिजिनल में आपको कहाँ पे मिलेगा, ये प्लास्टिक में मिलेगा, लेकिन डुप्लीकेट में ये जो आर दिखाई दे रहा है ना देखिए प्लास्टिक में, वो आर इसमें रहता है। यानी इस ओरिजिनल अगर इसमें अगर आर दिखाई देता है यानी आप समझ सकते वो फेक है ठीक है। तो ओरिजिनल अगर खरीदना चाहते तो देख लेना, सिर्फ इसी स्केच करने का जो प्लास्टिक है इसी में सिर्फ आर दिखाई देगा। और ये बारकोड मैंने स्कैन करके चेक किया तो ये दिखा रहा है कि ऑथेंटिक बोया का माइक है। सो फाइनली ये ओरिजिनल है ठीक है। और आप भी अगर ख़रीदते हो तो ज़रूर एक बार वेरीफाई करना ये इसको ठीक है। इस बारकोड में जाने के बाद ये 16 डिजिट का ये जो कोड नंबर रहते हैं उसको आप इंटर करने के बाद चेक करना बोया का है या नहीं ठीक है। तो बोया का है तो आपको उसमें दिखाई देगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर जो माइक है वो क्या बोया का ऑथेंटिक है। तो बस ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने चेक किया शायद ये फेक होगा या नहीं, तो अभी समझ में आ गया ये ओरिजिनल है। तो चलिए आज के लेट नहीं।